लेट्स टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन ऑफ एक्सरसाइज थ्री डी दैट इज लीन एक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये जो इक्वेशंस हैज़ अ नॉन जीरो सोल्यूशन कोई नॉन जीरो सोल्यूशन दे कि मतलब जीरो ना आए कुछ ऐसा करना है तो हम क्या करेंगे ज़ीरो सॉल्यूशन कब होता है यूनिक सॉल्यूशन का केस जो होता है तो वो होता है ज़ीरो सॉल्यूशन का केस लेकिन यहाँ पे नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन का केस करना है तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं इक्वेशन दे रखी फाइव एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन है हमारी टू एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू जीरो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में और हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन निकालना है तो नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी होगा जब फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी होगा व्हेन ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल होता है लेकिन अगर नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन नहीं है जीरो सॉल्यूशन कह रहा है तो वो होता है इन केस ऑफ ज़ीरो सॉल्यूशन कहता है तो जीरो सॉल्यूशन होता है हमारा व्हेन ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू राइट ये होता है ज़ीरो सॉल्यूशन लेकिन हमें निकालना है नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन राइट तो अब ए वन क्या आ गया यहाँ पे देखिए ए वन आया फाइव ए टू आया टू बी वन आया माइनस थ्री और बी टू आया k, राइट right? तो हमारा आया फाइव अपॉन टू इज इक्वल्स टू माइनस थ्री अपॉन के क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया फाइव के इक्वल्स टू माइनस थ्री इंटू टू तो फाइव के इक्वल्स टू माइनस सिक्स तो k कितना आ गया माइनस सिक्स अपॉन फाइव तो कब होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन? दीज इक्वेशंस हैंस, दीज़ इक्वेशंस हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन कब होगा व्हेन के इज इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन फाइव होगा आंसर